तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जितने भी सनी देओल साहब के फैंस हैं भाई, यहां पे बेताब बैठे हैं, घायल बैठे हैं। एंड यहां पे मैं आपको बोलूं, बहुत ही घातक तरीके से पेश आ रहे हैं। किसके साथ? हमारे साथ। और किसके साथ में? देखो भाई, यहां पे सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि सनी देओल की लाइन से, धड़ल्ले से जो मूवी आने वाली है, सफ़र, लाहौर 1947, बाप, और भी बहुत सारी फिल्में हैं। एक भूमि के टाइम से, यानी कि राम मंदिर के ऊपर एक जो मूवी बन रही है, क्या नाम है उस मूवी का यार, भ्रम भूमि ऐसी कुछ नाम है। खैर, लाहौर 1947 से लेकर दोस्तों मेरे पास पिछले दो दिन से मैसेज आया व्हाट्सएप पे, और सॉरी इस पर क्या नाम, इंस्टाग्राम पे, तो एक व्हाट्सएप पे भी आया था, नंबर दिया हुआ था। खैर, ज़्यादातर तो इंस्टाग्राम पे आते हैं, व्हाट्सएप पे नहीं आते, नंबर दिया नहीं है। देखो, ये बात एक तरफ करता हूँ, बात करता हूँ लाहौर 1947 के एक बहुत ही स्पेशल अपडेट पे। देखो, मेरे पास मैसेज आया और उस मैसेज में मुझे बोला गया कि भाई आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। मैंने क्या हुआ? कह रहा मूवी का इतना बड़ा अपडेट आया। मैंने क्या अपडेट आया? कह रहा यार ये हो रहा है। मैंने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मूवी की शूटिंग चल रही है अपने आराम से, जो चल रहा है फिल्म सिटी में मूवी शूटिंग चल रही है, मैंने अपडेट लेता रहता हूँ। लेकिन बस ये है कि मैं क्या बार बार आप लोगों को वही, अब देखो एक बात है, अगर देखो आप लोगों को शूटिंग के पिक्स चाहिए और वहाँ से बाहर सेट के बाहर, तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि भाई गाड़ी आ रही है सनी देओल साहब की, प्रीति जिंटा की आ रही है, जैसे तैसे अभी प्रीति जिंटा जो है अपना जिस दिन मैच होता है वो वहाँ से छुट्टी ले लेती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों शूटिंग का यहाँ पे शेड्यूल बना हुआ है, जिस दिन मैच नहीं होता है उस दिन प्रीति जिंटा पहुँचती हैं। अब देखो ऐसा होता है कि मुंबई में सारे मैच तो हो नहीं रहे, मुंबई से बाहर भी सारे कुछ कुछ मैच होते हैं, तो इस वजह से कुछ यहाँ पे शेड्यूल आड़ा टेढ़ा चल रहा है। तो यहाँ पे जितने भी सीन लेने होते हैं बाकी के वो ले लिए जाते हैं। अब ऐसा कर सकता हूँ मैं कि भाई बाहर से एक पिक ले ली, हाँ भाई अपना साइड पे पहुंच चुके हैं, पिक ले ली, अब वो चीज़ में मज़ेदार ही नहीं है। अब मैं वो क्या भेजूँ, बार बार एक ही चीज़ दिखा दिखा के भाई आप लोग क्या, मैं भी थक चुका हूँ, मैं भी नहीं चाहता कि यार क्या बताऊँ मैं, वरना तो मैं अभी फ़ोन करूँगा प्रफुल्ल को, वो जो है वहीं पे कहीं ना कहीं लगा हुआ है, कर देगा, सीरियल में भाई असिस्टेंट डायरेक्शन का काम कर रहा हो, कर देगा। तो ये बात मज़ा नहीं आता है, क्योंकि अब हम मैं भी चाहता हूँ कि यार कोई नई चीज़ आए सामने तो मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं बताऊँ, मेरे को भी मज़ा नहीं आता पुरानी पुरानी चीज़ें उसी तरीके का, वो यार वो शूटिंग चल रही है, पिक भेज दिया बना के एंड वो कर दिया, लाबिला दियो मैंने भेज दिया, नहीं। फिलहाल बात निकल के आती है कि शिल्पा शेट्टी का नाम दोस्तों इस मूवी से जुड़ रहा है। शिल्पा शेट्टी को मैं आप लोगों को बता दूं कि शिल्पा शेट्टी का नाम जुड़ना तो कहीं ना कहीं देखो एक अलग संकेत देता है, अगर शिल्पा शेट्टी इस मूवी में शामिल हैं और वो अगर इस मूवी में काम कर रही हैं, तो सबसे पहली बात तो यह है कि उनको रोल किस लेवल का मिला है। देखो भाई, जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े स्टार कास्ट थी, बड़े बड़े जितने भी रोल थे, वो सारे के सारे यहाँ पे आमिर खान ने फुल एंड फाइनल कर लिए हैं। अब यहाँ पे कोई भी कहानी से रिलेटेड बड़ा रोल नहीं है, कहानी से रिलेटेड जो असगर वजाहत साहब ने लिखी है स्टोरी और जो हम देख चुके हैं थिएटर पे, उसके अकॉर्डिंग सारे रोल यहाँ पे बड़े कंफर्म हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं आगे बात करूँ, देखो मूवी यहाँ पे अगर बन रही है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आमिर खान के अंदर खासियत है कि वो कुछ ना कुछ अपने तरीके से ऐड करते हैं। हो सकता है मे बी कि आमिर खान ने कुछ एक नया कैरेक्टर ऐड कर लिया हो, ये हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब अगर मान के चलो कोई नया कैरेक्टर ऐड कर लिया है तो वो एक इंडियन होगा, समझ के चलना, वो एक इंडियन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर पूरी लाहौर पे, लाहौर को बताया जाएगा, वहाँ का रहन सहन दिखाया जाएगा, वहाँ पे जिस तरीके से बात होती है, लोग बाग जो है चलते हैं और किस तरीके से रिएक्ट करते हैं दूसरे रिलीजन की चीज़ों पे, ये सब दोस्तों आपको इस मूवी के अंदर दिखाया जाएगा। और ये नहीं है कि लड़ाई दिखाई जाएगी, लास्ट में एक मैसेज होगा दोनों को आपस में रिलीजन के यहाँ पे इज्जत करने का। अब यहाँ पे जो एक इंडिया से निकल के वो लाहौर पहुँचेंगे, तो अब यहाँ पे इंडिया का कोई भी कुछ भी नहीं लिया गया है, यानी कि सारी मूवी पाकिस्तान में बन रही है, पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है, लेकिन अब यहाँ पे इंडिया का बीच में या लास्ट में दिखाने के लिए कुछ तो यहाँ पे रहेगा, क्योंकि एक मैसेज तो जाना चाहिए कि भाई पाकिस्तान में एक लेडी का इस तरीके से विभाजन के दौर में ऐसा हुआ, उसी दौर में बात कर रहा हूँ, और वहाँ पे इंडिया में ऐसे ऐसे न्यूज़ गई, तो जो रिएक्शन मौका आएगा वो एक्चुअली में ये अपना शिल्पा शेट्टी के ज़रिए से दिखाया जाएगा। बात को समझ के चलना, मतलब वहाँ से इन तक बात पहुँच, हो सकता है ये किसी ऑफिसर के रूप में इनको लिया हो,
ऐसा हो सकता है कोई ऑफिसर हो, कोई बड़ा ऑफिसर हो, कोई रो ऑफिसर हो सकता है, कोई बड़ा यहाँ पे ले लिया हो, ये बात तो इतनी आती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है, ये ऑफिशियल तरीके से यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं आई है कि प्रीति जिंटा इस मूवी में है, ये ऑफिशियल नहीं है, ये सिर्फ अभी एक रूमर्स है। इनफैक्ट मैं अभी चेक भी कर रहा था गूगल पे, मैंने पूरा का पूरा इंटरनेट छान मारा, मुझे कहीं पर भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं दिखी कि शिल्पा शेट्टी इस मूवी में ऑफिशियली अनाउंसमेंट आई हो और वो ऑफिशियली यहाँ पे हो। सिर्फ एक रूमर्स है, सिर्फ अभी इंतज़ार करो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। हो सकता है कि यहाँ पे अगर ये बात निकली है शिल्पा शेट्टी हैं इस मूवी में, क्योंकि देखो मैंने खुद यहाँ पे कहोगे अगर ऐसी बात होती ना तो मुझ तक बात आ जाती कि शिल्पा शेट्टी सेट पे दिखी हैं या सेट पे आ रही हैं, उनकी गाड़ी आई है। इवन अभी सलमान खान के घर तो देखा मैंने उनको, सलमान खान के घर गई वो, लेकिन मैंने सेट पे कभी भी नहीं देखा कि शिल्पा शेट्टी यहाँ पे आई हो। ऑफिशियली अनाउंसमेंट आने का इंतज़ार करो, हो सकता है ऑफिशियली अनाउंसमेंट आ जाए। तो जैसे ही ऑफिशियली अनाउंसमेंट आएगी सबसे पहले मुझे पता लग जाना है, क्योंकि यहाँ पे अगर शूटिंग पे शिल्पा शेट्टी जा रही हैं तो यहाँ पे बात सबसे पहले मेरे तक बात क्या, मैं आपको फ़ोटो दिखा सकता हूँ, 100% फ़ोटो दिखाऊँगा आपको, पिक दिखाऊँगा, शिल्पा शेट्टी आपको साफ दिखेंगी शूटिंग पे सेट कर, यानी कि शूटिंग के सेट पे आपको साफ दिखेंगी, मैं आपको पिक दिखाऊँगा। लेकिन वो मौका तो आने दो, मौका आएगा, हो सकता है कि भाई लास्ट का सीन हो वो वाला, या फिर उनका सीन ले भी लिया हो, चूँकि छोटा सा सीन होगा बंद कमरे में अपना जो है भाई ग्रीन स्क्रीन पे, हो सकता है, या फिर हो सकता है कि लास्ट में लें ये लोग लें, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जब सीन होता है ना बिना वजह किसी स्टार को सेट पे नहीं बुलाया जाता, क्योंकि वो भी अपना काम कहीं ना कहीं कर रहा है, तो इस वजह से हो सकता है शिल्पा शेट्टी को अगर लिया भी है तो पेंडिंग में रखा हुआ, जब उनका यहाँ पे रोल ज़रूरत होगा, जब उनकी शूट, जब उनका सीन की ज़रूरत होगी तो हो सकता है जब ये लोग अनाउंसमेंट कर दें, या फिर यहाँ पे अनऑफिशियली खुद ही पता लग जाए कि भाई ऐसे ऐसे शिल्पा शेट्टी का होने भी वाला। और देखो शिल्पा शेट्टी का अगर ना भी बताया जाए, ऑफिशियली अनाउंसमेंट ना भी आए तो भी कोई दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इतना ज़्यादा ध्यान उन पर देने वाला है भी नहीं, कोई इतना ज़्यादा कोई ध्यान देगा भी नहीं। फिलहाल ये है कि हाँ चलो ये पता लग जाएगा कि शिल्पा शेट्टी मूवी में है, ठीक है, जब मूवी में जाके देखेंगे टीज़र ट्रेलर, और देखो टीज़र या ट्रेलर मुझे नहीं लगता टीज़र ट्रेलर में भी शिल्पा शेट्टी को दिखाया जाएगा, तो जिस तरीके से उनका रोल यहाँ पे होने वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो है तो, नहीं है तो फुल एंड फाइनल है भाई, नहीं है तो नहीं है, फिर कोई बात नहीं, एक रूमर्स है और ये रूमर्स बनते रहते हैं भाई, कोई बात नहीं। फिलहाल जो भी है देखो मूवी की शूटिंग चल रही है, दबा के चल रही है। इनफैक्ट यहाँ पे अभी सनी देओल साहब का एक पोस्टर भी आया था जो कि इंस्टाग्राम पे खुद उन्होंने यहाँ पे पोस्ट किया है, तो यहाँ पे बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। फिलहाल इनकी एक नई मूवी जो सफ़र आने वाली है उसका कोई अपडेट ही नहीं है भाई, सुना था कि कुछ टीज़र आने वाला है ईद के मौके पे, वो भी नहीं आया, वो भी यहाँ पे पोस्टपोन हो गया। अब क्यों पोस्टपोन हो गया, क्या हुआ भाई, अंदर की मीटिंग समझ में नहीं आता है क्या इनका चल रहा है, जो भी बात होती है दोस्तों पता लगा रहा हूँ, जो भी बात होगी सबके सामने आएगी। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।